इसको कर देना और ये पार्ट कर देना। तो गाइस सिर्फ डीए का प्रोसेस ख़त्म हो गया और उसके बाद इसने सिर्फ पोछा है कहा बाइक को, उसमें इतनी चमक रही है। और हम लोग खाना खा रहे थे तभी यहाँ पे आई एक मस्टैंग। सच में दोनों के ग्लॉस में बहुत फ़र्क आ रहा है ना, इसका ग्लॉस अलग आ रहा है, इसका ग्लॉस अलग आ रहा है। तो अगर आप लोग बोल रहे हैं ना कि ये ब्लेड अगर बॉडी को लगेगा, तो उन्होंने मुझे एग्जांपल दिया क्योंकि जो सर है उन्होंने बोला पीपीएफ पहले ऐसे नस पे रखना, ऐसे हाथ पे, और फिर ब्लेड से काटो। नौ घंटे से हम यहीं पे हैं। तो दो बीस्ट एक साथ, अब वो कवड़ा मारेगा तो अब उसका शाइन अलग हो जाएगा। मेरा सिरामिक कोटिंग और पीपीएफ का इतना लंबा सा व्लॉग। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया हो और अपने व्लॉग्स देख रहे हो, अपने मतलब मेरे, खुद के हो तो खुद के भी देखो, अच्छी बात है वो। तो फिलहाल मैं अभी जा रहा था पीपीएफ करने के लिए, वो ये ब्रिज के नीचे ही है, लेकिन कॉल आ गया कावासाकी से कि नंबर प्लेट आ गई है आपकी, जो सैटरडे को आने वाली थी लेकिन आज ही आ गई वेनसडे को। तो मैंने बोला चलो पहले वो इम्पोर्टेंट है तो वो पहले ले लेते ताकि इसको फिर हम चला पाए, क्योंकि मैं विदाउट नंबर ज़्यादा नहीं निकल रहा था रोड पे। सो पहले कावासाकी जाते हैं, नंबर प्लेट लेते हैं। आगे की नंबर प्लेट तो शायद नहीं लगा पाऊँगा, पीछे लगा दूंगा। आगे की नंबर प्लेट मैं साथ में कैरी कर लूँगा, उसका कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। इसको थोड़ा पैम्पर करके चलाऊँगा स्टार्टिंग में, जब तक फर्स्ट सर्विस नहीं होती। उसके बाद ये नहीं कह सकते सर्विस हो जाएगी उसके बाद मैं कुत्ते की तरह भगाऊँगा, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी यार। बाकी अभी टाइम हो रहा है, किधर लिखा है इसमें टाइम, 1:14 यहाँ पे लिखा है। और गाइज एक बात हमेशा याद रखना, जितने ज़्यादा कर्व्स होंगे उतना पीपीएफ निकलने का चांसेस रहता है। तो अगर आपकी बाइक में कर्व ज़्यादा है और आपका पीपीएफ नहीं निकल रहा है, या आपको लग रहा है कि नहीं निकल रहा है, मस्त पीपीएफ किया है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग ना पीपीएफ लगाने के टाइम पे प्रोसेस में प्राइमर यूज़ करते हैं, तो वो क्या करता है चिपके रहता है आपके बॉडी, गाड़ी की बॉडी के साथ, मतलब पार्ट्स के साथ। लेकिन बाय द टाइम यू रिमूव दैट पीपीएफ तभी वो कलर भी उखाड़ सकता है साथ में, तो वो ध्यान रखो जब भी पीपीएफ होता है। अब मैं ये बंदा तो मेरा ट्रस्टेड है तो मुझे इतना टेंशन नहीं है, लेकिन अगर आप किसी नए बंदे के पास जाते हो तो प्रोसेस थोड़ा देख लिया करो। मैंने इनके पास मेरी कार वार सब पीपीएफ करवाई है तो मेरे को टेंशन नहीं है इतना, और वो ध्यान रखना प्लीज़। ओके ओके गाइस, पहुँच गए हम लोग, ये जो कांच की बिल्डिंग है वहाँ पर ही है कावासाकी, उसके बाद जो मेट्रो है। चलो मैडम बाद में देखो, एक तो ये लोग यूजलेस है, कोई डोर वोर खोलता है नहीं, जितनी भी बार मैं अंदर आया हूँ ना ऐसे छोटे छोटे गैप्स में से ही आया हूँ। इसका है ना स्टैंड का मेरे को शू लगाना पड़ेगा क्योंकि ये स्टैंड पे रहती है तो बहुत ही टेढ़ी होती है। चलो अभी नंबर प्लेट लगाते निकलते। या तो फ्रंट में मैंने ये नहीं लगाया क्योंकि मैंने विंगलेट और विंडशील्ड लगा लिया है, तो इसको रखते हैं अपन जैकेट के अंदर और इसका जुगाड़ बाद में करेंगे। हार्डली 30 सेकेंड्स लिया, अब निकलते हैं सीधा पीपीएफ के लिए। अब मिलता हूँ सीधा पीपीएफ वाले के यहाँ पे। गाइस मैं आ गया यहाँ पे डिटेलिंग डॉन्स में, अभी गाड़ी की हालत थोड़ी मैली है यहाँ पे। अब पीपीएफ होने के बाद, डिटेलिंग होने के बाद गाड़ी और चमक जाएगी, मैकविल भी पूरा ऐसा ही है। क्या बोल रहे तू? पहले बोलते हैं पीपीएफ करेंगे, अभी जब भी गाड़ी लेके आता हूँ ना फिर ये मना करता है पीपीएफ टफ है, टफ मत कर कुछ कर, कम से कम ये पैनल कर दे, समझा? अरे करते हैं लोग यार सारे पैनल्स को। अच्छा तो जो छपटे छपटे चीज है उसको तो कर देगा कि नहीं करेगा? ये होगा, ये हो जाएगा, ये पार्ट होगा, फिर ये चिन हो जाएगा, ठीक है। इसको भी कर देना, इसको, हाँ विंडशील्ड को इसको कर देना, और ये पार्ट कर देना, सूट का भी करना है। तू बोल भाई कर दे पीपीएफ का। तो अभी आज क्या करेगा? कल पूरा डिटेलिंग का भी मैं आपको दूंगा। हाँ मतलब आपको सिर्फ शॉर्ट चाहिए ना? मेरे को सब शॉर्ट चाहिए, एक शॉर्ट दूंगा, वॉश पे डालूंगा, फिर पीपीएफ का कंटिन्यू। तो फिर आज मतलब ही नहीं है, लेके जाओ। नहीं रहने दो ना, कल 10:30 तक छोड़ना, क्योंकि फिर कैसा छुट्टी मार लेता हूँ कल। चल बस सबसे ज्यादा कर्व यही है जहाँ पे कावासाकी लिखा है, ठीक है। तो चल वो समझ लेंगे। देखो पता है वो कीचड़ वहाँ तक उड़ रहा है तो वो सब प्रोटेक्ट होना है ना, मतलब वो तो नहीं होगा, वो पीपीएफ अंदर ही होगा। हाँ वो तो है सिरामिक होगा, लेकिन फिर भी देख लेना, विंडशील्ड भी चाहिए मेरे को। तो चल नाथ, सी यू, कल आता हूँ।
उसने बोला कि अगर आपको वीडियो बनाना है ना मस्त से तो फिर कल ही आओ। वो तो एक्चुअली आज गाड़ी छोड़ के बोल रहा था कल काम करूंगा, तो मैंने बोला अगर कल ही काम करेगा तो फिर मैं आज गाड़ी लेके जाता हूँ, यहाँ पे रखे करूँ क्या, हमारी बेबी को हम साथ लेके घूमेंगे। तो अभी निकलेंगे घर और आज का वीडियो कंटिन्यू होगा कल। तो डे टू आज का ये लुक है, ठीक है। एक्चुअली कल अभी मैंने जाके फिर धुलाई दी थी बाइक, सिर्फ धुलाई मतलब नॉर्मल खाली पानी मारा है, मतलब वो शैम्पू वैम्पू कुछ नहीं किया मैंने बाइक पे, क्योंकि वो जो हेरी स्क्रैचेस आते हैं अभी तक तो मेरी गाड़ी में कोई हेरी स्क्रैच है नहीं, संभाल के एकदम कपड़ा मैंने मरवाया है, मतलब कपड़ा ऐसे खाली रखो और खींच लो, ऐसा कुछ नहीं करवाया मैंने, खींचना भी एकदम मतलब कपड़े का दो शेड रखना है और खींचना। और ये स्टिकरिंग भी मैंने कल करवा ली, तो कंप्लीट लुक अभी बाइक का ये है। अभी इससे पता नहीं और क्या चमकेगी, लेकिन पीपीएफ करना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कीचड़ उड़ रहा है, इस सब कीचड़ कीचड़ कीचड़। तो चेक दिस आउट, आगे से ये विंगलेट लगाया मैंने और ये विंडशील्ड लगाया, अब इसके साइड में जो विंगलेट्स आएंगे वो लगाना है। ये भी मैंने निकाल के इन कंपनी का निकाल के मेरा लगा लिया, ईवोटेक का। अभी रेडिएटर ग्रिल भी ये पीपीएफ के बाद रेडिएटर ग्रिल निकाल के ईवोटेक का लगा दूंगा। My city's gonna tell you the tale. Everyone was left in the veil. My time won't come to an end. Take a look around, it's a war zone. The damage is already done. Take a look around, it's a war zone. The damage is already done. Take a look around. तो अभी आप सोचते रहेंगे कि महिला गाड़ी इसने पैडॉक पे क्यों चढ़ा दिया, सीधा यहाँ पे वॉशिंग करेंगे, लेकिन सबसे पहले बॉडी पे डीए लगता है, तो डीए का प्रोसेस सबसे पहले होगा, उसके बाद वो वॉशिंग में जाएगी। डीए का प्रोसेस क्यों करना होता है? तो डीए का प्रोसेस इसलिए करते हैं कि डीए अगर हम लोग मारते हैं तो गाड़ी के ऊपर जो भी हल्के फुल्के स्क्रैचेज या ऑयल मार्क्स होंगे या अनइवन कुछ भी पेंट होगा तो वो स्मूथ हो जाता है, पेंट स्मूथ हो जाता है, परफेक्ट स्मूथ हो जाता है, जिससे पीपीएफ इजीली बैठता है। अच्छा, डीए प्रोसेस है तो इट्स लाइक अ वन स्टेप पेंट करेक्शन जो हम लोग करते हैं, तो बाइक ही नहीं है तो इसलिए हम लोग इसमें वन स्टेप करेक्शन करते हैं। ओके, तो मैंने जब से बाइक ली है ना तो मैंने कपड़े को है ना ऐसा रखा है, जैसे बता ऐसा रखा है और ऐसा मारा है पानी ताकि वो स्पॉल मार्क्स ना आए, मतलब चलो जो ये लोग जो करेंगे इनके वो भरोसा है, तब तक अपने से कुछ गलती नहीं होनी चाहिए। बाकी अभी नाथ सर जो भी है अपनी गाड़ी को चमका देंगे एकदम कड़क, है ना 100%। तो ये जितना अभी ये चमक रहा है, लोग बोलते हैं कि ये लाइट की वजह से चमकता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अपन करेंगे इसका भी बेटर करेंगे, तो इसलिए आपको बिफोर दिखा रहा हूँ, और आफ्टर का इफेक्ट तो पता ही है क्या होने वाला है। देख लीजिए गाड़ी पूरी मैली है, मतलब बाद का वीडियो नहीं है, पहले का वीडियो है। अभी डीए प्रोसेस होगा, मतलब वही बफिंग जैसा पूरा मशीन घूमेगा हर बॉडी पे। ये विंडशील्ड को भी पीपीएफ कर लेंगे। अभी मैंने संभाल के रखा था, अभी तक अभी भी इसको संभाल के रखूंगा, लेकिन अभी वैसे भी वॉशिंग होने वाला है तो सीट को निकाल दूंगा। इसको निकाल नहीं रख दूंगा, लेकिन वॉशिंग के लिए चाहिए रहेगा ना। नहीं नहीं, मतलब अंदर पानी जाएगा। ये कवर्स जो है ये गवर्नमेंट में लगे संभाल के, अभी ये टेपिंग लगा रहे हैं ताकि मास्किंग की तरह, ये अगर यहाँ पे कोई भी मशीन घूमे ना तो जो मैट पैनल है उसके ऊपर इफेक्ट ना आए, राइट। तो ऐसे अभी पूरी बाइक में होगा। क्या चमक रही है, चमक रही है। अब जब इतनी अभी चमक रही है तो बाद में तो भाई अपने बहुत ज़्यादा चमका देंगे, मज़ा आएगा। छुट्टी लिया है पूरा मैंने प्रोसेस देखने के लिए और आप लोगों को दिखाने के लिए, तो स्टे ट्यून्ड। तो ये पूरा टैंक, वो साइड का काउल, ये मडगार्ड और अभी पीछे का पार्ट हो रहा है। ये पूरा प्रोसेस होने के बाद गाड़ी जाएगी वॉशिंग में बाजू वाले शॉप में। तो गाइस सिर्फ डीए का प्रोसेस ख़त्म हो गया और उसके बाद इसने सिर्फ पोछा है का बाइक को, उसमें इतनी चमक रही है। तो ये सरफेस क्लियर होने के बाद देखो गाइस क्या लग रहा है, मस्त लग रही है, सब चमक गया, ऐसा लग रहा है कि हो गया सिरामिक कोटिंग हो गया।
तो इन्होंने क्या बोला, जो डीए में अपना जो मशीन घूम रहा है ना ये वाला, इससे कलर जो ओरिजिनल कलर होता है उसके लेयर को कुछ नहीं होता है, लेकिन जब ये अपन वो वुलन पैड मारते हैं ना, जिसको स्क्रैचेस हटाने के लिए वुलन पैड को दबाना पड़ता है, तब कलर का एक लेयर ख़राब होता है, मतलब कम होता है, तो गाड़ी का ओरिजिनल जो पेंट होता है वो ख़राब हो सकता है, लेकिन इसमें नहीं होता, राइट। तो अभी ये सब निकाल रहा है अपना मास्किंग टेप जो भी था, क्योंकि सब तो हो गया। अब जाएगी बाइक वॉशिंग में, वॉशिंग में से आने के बाद पहले पीपीएफ होगा ना, वॉशिंग के बाद, उसके बाद पीपीएफ के ऊपर सिरामिक। ओके, सो फार सो गुड। तो यहाँ पे डिटेलिंग ग्राउंड्स में हम लोग ने सब काम करवाया है, लेकिन इसके बाजू में जो यहाँ पे जो डॉक्टर डिटेलिंग है वहाँ पे वॉशिंग के लिए लेके आए हम लोग, तो अभी वो वॉशिंग करेंगे, एकदम क्लीन करेंगे, जब जितना भी उसका डर्ट वर्ट रहेगा सब निकालेंगे, उसके बाद वापस डिटेलिंग ग्राउंड्स में जाएंगे और फिर उसके बाद पीपीएफ होगा, उसके बाद सिरामिक कोटिंग। जो प्रोसेस है बिना कपड़े का गाड़ी सुखाना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये लोग है ना अलग से बाइक धोते भी है, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि हमेशा मेरी Z900 को धोने के लिए मैं यहीं पे आऊँगा और ऐसे ही प्रोसेस में गाड़ी को सुखाऊँगा, ताकि उसकी कलर की और मतलब लाइफ ज़्यादा रहती है गाड़ी की। वॉशिंग होके आ गई बाइक, ये पीपीएफ वाले आ गए दोनों, अब पीपीएफ होगा। पीछे का जो भी ग्लॉसी है ना वो सारी, जहाँ पे ज़्यादा एजेस है वहाँ पे थोड़ा कम करने को सोच रहे हैं, लेकिन जो प्लेन है वहाँ पे पूरा वन पीस में लगाएंगे, नहीं तो टुकड़ा टुकड़ा लगेगा ना तो मज़ा नहीं आएगा, ये वन पीस हो सकता है, देखते उसके ऊपर लगा देंगे ना वापस पीपीएफ के ऊपर, अगर ये पूरा निकला तो, है ना, गम रहा बचा तो ट्राई करो संभाल के निकले तो बेटर है, ये वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ये इम्पोर्टेंट है, कोई अच्छी साफ जगह पे लगाना, यहाँ पे लगा दो अभी, यहाँ पे। तो ये जहाँ पे कावासाकी लिखा है वो पैनल निकाल रहे हैं, ताकि टैंक का जो पीपीएफ रहेगा वो भी अंदर इसके अंदर चले जाए, टैंक का पीपीएफ ऐसे एक साइड का पैनल निकल गया है, अब इस तरफ का निकल रहा है, और अब लोग खाना खा रहे थे तभी यहाँ पे आई एक मस्टैंग, ये रही पुराना मॉडल है लेकिन ठीक है, अभी ये सब स्पॉयलर्स वॉयलर्स जितने भी सब निकालने आए वो लोग, टैंक पे अभी भी बोल रहा हूँ ये काउल निकाल के करना जिसके भी पास 900 है, ताकि इसके ऊपर का जो पीपीएफ है यहाँ से काटना ना पड़े, इसके अंदर टक इन कर पाए, बेस्ट, अभी एयर पकड़ेगा ही नहीं है ना। तो चलो फाइनली अपना प्रोसेस चालू हो गया पीपीएफ का, सबसे पहले इसको, सबसे पहला पीपीएफ तो यही लग गया अपना। अपना जो पीपीएफ है वो हाई ग्लॉस सेल्फ हीलिंग वाला पीपीएफ है, मतलब अगर उसके ऊपर छोटे मोटे स्क्रैच भी आते हैं तो शायद, ऐसा मेरे को बोला है, मैं उतना मतलब मैंने ट्राई नहीं किया है, लेकिन वो सेल्फ हील हो जाएगा स्क्रैच आएगा तो।
देखो ये पैनल की एंड में यहाँ पे लोग ने छोड़ दिया है, अब इसको कट करके अंदर टक इन करेंगे और ये फाइबर के अंदर इसको डाल देंगे कि कहीं से भी पील ऑफ होने का चांसेस ना हो। अब मडगार्ड का पार्ट हो रहा है, मडगार्ड का पार्ट पूरा यहाँ से यहाँ तक वन पीस होगा लेकिन ये वाला पैनल नहीं होगा, ठीक है। और टैंक का पैनल हो गया, यहाँ से वो कटिंग दिख भी नहीं रहा उसका, कटिंग किया कहाँ किया उसका? हाँ, हो गया नीचे तो यहाँ फिनिशिंग नहीं, ये रहा कटिंग, ये सब फिनिशिंग बाकी है। ये देखो सब छोड़ा है, अभी लास्ट में उसको कट करके बराबर शेप दे देंगे। ये पैनल करेंगे, ये पैनल करेंगे और जो साइड के दो पैनल्स निकले वो भी करेंगे। हेडलाइट भी करवा दूंगा मैं, हेडलाइट का पैनल भी, ये भी और ये भी। तो ये वाला पैनल भी ऑलमोस्ट हो गया, अब सिर्फ कटिंग बाकी है एजेस पे। ऐसे ही मैंने जैसे बताया आपको, ये दोनों पैनल्स होंगे, लाइट होगी, विंडशील्ड होगा, साइड के दोनों पैनल्स होंगे, ये वाला पैनल होगा और पीछे वाला पैनल होगा और शायद मैं टेल लाइट को भी करवा दूंगा, ठीक है। बस तो अभी सारे के सारे पैनल्स नहीं दिखा पाऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो अभी इसी का दिखा दूँ आपको मैं पूरा फाइनल लुक जो भी इसका आएगा पीपीएफ के बाद, उसके बाद सिरामिक कोटिंग का मैं आपको प्रोसेस दिखा दूँ। जो ब्लेड मार रहा है ना, वो जो मटेरियल हवे में लटक रहा है उसके ऊपर ब्लेड मार रहे, कोई भी बॉडी के ऊपर ब्लेड नहीं मार रहे। तो जैसे कि समझो अगर ये मटेरियल हवे में है तो वो हवे पे जो मटेरियल है उसी के ऊपर ब्लेड मार दे, ताकि ब्लेड अगर नीचे चली भी जाए तो वो एयर पे ही रहे, मतलब किसी पार्ट को ना टच हो, सो दैट्स गुड। फिर जो हवे में रहता है मटेरियल उसको अंदर फोल्ड कर देते हैं। ये विंडशील्ड निकाल लिया है, विंडशील्ड के सारे स्टिकर्स यहाँ पे चिपका दिए, पहले पीपीएफ लगाएंगे उसके वापस स्टिकर लगा देंगे। तो ये जितने बबल्स दिखते हैं ना, इनको ये लोग बार बार ये रबर लगाते चेक करते बबल्स दिख रहा है नहीं दिख रहा है। अब ये लग रहा है पीछे का टेल सेक्शन। तो टेल सेक्शन का सीन क्या है कि एक पैनल यहाँ पे लगाएंगे और एक पैनल वहाँ पे लगाएंगे और यहाँ से जॉइंट कर देंगे। अब एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो ये टैंक है, अभी इसको पकड़ना बाकी है फिनिशिंग, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे कट किया है ना वो दिख भी नहीं रहा है, कहाँ दिख रहा है आपको, देखो कहीं भी नहीं दिखेगा। और इसका ग्लॉस कुछ अलग ही हो रहा है, इसका ग्लॉस और इसका अलग अलग है, ये ज़्यादा जो ग्लॉस हो रहा है जो पीपीएफ लगाया है उसका ग्लॉस अलग है और विदाउट पीपीएफ का ग्लॉस अलग है, ये बेटर है गाइस। ये देखो इसका ग्लॉस क्या चमक रहा है, ये ग्लॉस देखो और ये नॉर्मल विदाउट पीपीएफ का ग्लॉस देखो, दिख रहा है फ़र्क दोनों का ग्लॉस देखो, इसका ग्लॉस देखो, इसका ग्लॉस देखो, सच में दोनों के ग्लॉस में बहुत फ़र्क आ रहा है ना, इसका ग्लॉस अलग आ रहा है, इसका ग्लॉस अलग आ रहा है। तो ये टेल लाइट पे भी लग गया अपना पीपीएफ और आगे हेडलाइट पे भी लगाएंगे पीपीएफ, पूरी गाड़ी अपनी पेंट प्रोटेक्टेड, मतलब स्क्रैच प्रोटेक्टेड सॉरी। तो अभी फिलहाल ये हीट गन से पूरा फिनिशिंग दे रहे हैं, जो भी एजेस उन्होंने काटे थे ना वो, ताकि वहाँ पे बबल्स रह जाए तो फिर सही कर दें। अब ये लास्ट कट हो रहा है, उसके बाद टैंक हो जाएगी कंप्लीट। भी हो रहा है अपना हेडलाइट को पीपीएफ, क्योंकि जब भी हाई स्पीड पे बाइक चलाते हैं और आगे कोई ट्रक से पत्थर वत्थर चिपिंग विपिंग उड़ते हैं ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स, तो वो भी स्क्रैचेस दे देते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसको पीपीएफ करवा ही लेते हैं, हर एक चीज़ प्रोटेक्शन में रहनी चाहिए। तो ये भी पीपीएफ हो गया, मतलब ये पूरी बाइक पीपीएफ हो गई है अपनी हर जगह से, बस अभी वो दोनों पैनल्स बाकी है और ये भी सब हो गया। इसका देखो ग्लॉस क्या लग रहा है, ग्लॉस पूरा पीपीएफ हो गया। अब ये निकाल के वो लगा देंगे, मतलब कैसे काटोगे उसको, पूरा बॉक्स में काट दोगे क्या? ओके
ठीक है, तो यहाँ पे भी फिर वैसा कर सकते हैं क्या जेड पे? कर सकते हैं, देखो पहले वो ट्राई करो, मेन तो वही है, ये तो बहुत नीचे हो गया। तो ये रहा कट, यहाँ से हमने जो कट किया है इतना विजिबल नहीं है अभी, लाइट में दिख रहा है आपको विजिबल। और ये जो है ना, ये मैंने पट्टी एक्स्ट्रा मरवाई है ताकि अगर हम लोग कभी भी बाइक को पुल करते तो यहाँ पे पकड़ते या यहाँ पे पकड़ते तो वो स्क्रैच नहीं आना चाहिए और वो खींचना नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ पे, यहाँ से ये पूरा PPF किया हुआ है, बस ये पार्ट को मैंने छोड़ दिया है पीछे से, इतना मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, टेल लाइट हो गया अपना, टेल लाइट हो गई अपनी PPF। ये कट कर लो तो मैं इसमें सीट बिठा देता हूँ। इसका क्या सीन है, इसका कल स्क्रीन गार्ड आ जाएगा तो कल मैं नया स्क्रीन गार्ड लगा दूंगा, तब तक इसको रहने दो। बाकी सब कुछ PPF हो गया। ये जो डाग है PPF के, ये पानी का डाग है, ये कल धूप धूप में निकल जाएगा, निकल जाएगा ना सब डाग। बस ये जो पैनल है ना, इसको थोड़ा अच्छे से करो, यहाँ पे जो एजेस है वो सब सही से करना, ये वाले जो एजेस है बैठ रहा है। ये भाई पहले कतार में काम करते थे और ये दुबई में, वो लोग बोल रहे हैं वहाँ पे कुछ नहीं रखा, इंडिया में बेस्ट है, तो इंडिया आ गए काम करने के लिए, तो दे आर एक्सपीरियंस्ड। तो अगर आप लोग बोल रहे हैं ना कि ये ब्लेड अगर बॉडी को लगेगा, तो उन्होंने मुझे एग्जांपल दिया कि उनके जो सर है उन्होंने बोला PPF पहले ऐसे नस पे रखना, ऐसे हाथ पे, और फिर ब्लेड से काटो, तो खुद की स्किन को लगना नहीं चाहिए, तो जब स्किन को नहीं लगेगा तो फिर बॉडी को क्या ही लगेगा। तो ये देखो ये कट एकदम नेग्लिजिबल है, अब मैं आपको उंगली से दिखा रहा हूँ ना तब जाके दिख रहा है। हाँ ये प्रॉब्लम है कि अगर आगे जाके मिट्टी विट्टी लगेगी तो क्या होगा क्या नहीं पता नहीं, लेकिन ठीक है प्रोटेक्टेड है तब तक सही है। ये भी पूरा हो गया मस्त, तो अब ऐसे हाथ घुमाने में टेंशन नहीं, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव अ प्रोटेक्शन अबाउट इट। सही है, हाँ क्या क्या हो गया अपना पैनल्स? ये हो गया ये करना है, ये दोनों हो गए, ये तो ये भी, हेडलाइट भी हो गया, मडगार्ड भी हो गया, पीछे का पूरा हो गया। चलो ठीक है, ऑलमोस्ट डन। तो सुबह 10:30 निकले थे, अभी बज रहा है 7:05। बाप रे बाप, 9 घंटे से हम यहीं पे। अभी इस तरफ का PPF हो रहा है, लेकिन सिरामिक कोटिंग शायद आज नहीं करेंगे क्योंकि अभी ये शोरूम बंद करने का टाइम हो गया है, तो सिरामिक कोटिंग करेंगे कल, तो ये वीडियो वापस कंटिन्यू करूंगा मैं कल, तो 3 दिन का वीडियो बनेगा यार। सो गाड़ी अभी यहाँ पे ही है और कल सिरामिक कोटिंग का प्रोसेस चालू करेंगे। हेलो गाइज, डे 2 है आज, ये मेरा पार्सल भी कल आ गया, तो अभी ये रही बाइक, ये लोगों ने साइड में कर दी, ये गाड़ी का काम कर रहे थे स्टार्ट। तो PPF सूख गया, आज सेकंड डे है, मतलब डे टू ऑफ सिरामिक एंड PPF, तो सब सही हो गया, अभी कहीं पे भी दिख नहीं रहा इतना, सही है कहीं पे भी PPF दिख नहीं रहा है, सिर्फ यहाँ पे मैंने डबल टेप करवाया है क्योंकि यहाँ से पकड़ के गाड़ी आगे पीछे होगी, बाकी चकाचक है। अभी ये टैंक पैड और स्क्रीन गार्ड आ गया डिस्प्ले का, तो फिर वो भी लगा लेते, सिरामिक कोटिंग करते और ख़त्म करते। तो ये जो टैंक पैड है ये मोटोग्राफिक्स का मंगाया मैंने, मतलब कोई नॉर्मल कंपनी का नहीं है। घुमा के थक गया तू? बहुत ज़्यादा पैकिंग, वो दिल्ली से आया है ना? दिल्ली से आया पूरा बबल इसके, एक्चुअली मैंने पूरा एक्सेसरीज के साथ मंगाया था लेकिन वो लोग डालना भूल गए, तो वापस वो लोग ने अलग से भेजा। आ रहा है उसके ऊपर, थोड़ा नीचे लेना, थोड़ा नीचे ले ले। तो मास्किंग टेप्स को इसके ऊपर ऐसा छोड़ लगा के छोड़ दे 4, और उसके बाद इसको निकाल, फिर मास्किंग टेप्स को पहले चिपका, उसके बाद इसको सही कर देना, है ना, क्योंकि इसको पकड़ेंगे तो कहीं ना कहीं तो ग्लू पकड़ा जाएगा अपने हाथ से, और वो गलत बैठ गया तो गया,
एक बार सेट करके सेंटर ले ले और यहाँ से स्टार्ट कर ले, यहाँ 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 ये मेन है क्योंकि अपना जिप विप सब यहीं पे लगता है ना जिपर का। तो अभी नाथ बोल रहा है, मतलब नाथ मतलब यहाँ पे पीपीएफ का जो उसने काम करवाया, वो बोल रहा है कि अभी मत लगाओ क्योंकि दो तीन दिन देखने दो, अगर ये पीपीएफ कहीं से पील ऑफ हो गया और टैंक का पार्ट ही पील ऑफ हो गया तो ये वेस्ट हो जाएगा। तो उसने बोला कि पहले दो तीन दिन रहने दो, उसके बाद ये लगा देना। दो तीन दिन फिर ऐसे ही चलाते अभी इसको, क्योंकि अगर कहीं से पीपीएफ निकला और वो पूरा पार्ट हम लोग को ये यूनिट पूरा बदलना पड़ा पीपीएफ का ये पार्ट, तो फिर वो वेस्ट हो जाएगा। तो ये लुक है अभी विदाउट सिरामिक, अभी सिर्फ पीपीएफ हो चुका है। यार ये करोलबाग से मैंने मोटो किंग से जो सामान मंगाया था, पता नहीं वो लोग को भूल गए क्या, पर क्योंकि पहले भी मैंने उनसे पार्ट्स मंगाए थे तो उन्होंने बोला कि मैं आपको स्क्रीन गार्ड फ्री दूंगा, उसमें स्क्रीन गार्ड भी नहीं भेजा और जो मैंने पेमेंट किया था टैंक पैड वो भी नहीं भेजा। अब टैंक पैड भेजने के टाइम पे बोला कि सर वो स्क्रीन गार्ड हम भूल गए थे आपको भेज देंगे, वापस स्क्रीन गार्ड नहीं भेजा। इतना महंगा है क्या स्क्रीन गार्ड? क्योंकि अमेजोन पे तो भाई 219 रुपये का मिल रहा है दो पीस, ठीक है। आज उनका पार्सल आ गया तो मैंने वो अमेजोन में कैंसिल कर दिया था। तो ये अभी लुक दिख रहा है विदाउट सिरामिक ओनली ऑन पीपीएफ, ठीक है। तो अभी हम लोग सिरामिक का प्रोसेस चालू कर रहे हैं। तो एक बार बोल रहा हूँ मैं, बाइक पीपीएफ होके कंप्लीट हो चुकी है, कलर पीपीएफ हुई थी, एक दिन उसको रखा है साइड में ताकि अभी वो नॉर्मल हो जाए। पीपीएफ जहाँ पे भी पील ऑफ हो रहा था ना वहाँ से हम लोगों ने निकाल दिया, मतलब सही कर दिया, निकाल नहीं दिया। तो अभी सिरामिक कोटिंग स्टार्ट, कौन सी कंपनी का यूज़ कर रहे हैं दिखा दो। ओके, तो ये वाला जो सिरामिक है वो मेरे केटीएम में जो लगा हुआ है उससे बेटर वाला है, इसको बेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये जैसे अप्लाई करते हो वैसे ही सेट हो जाता है। इसको मैट पार्ट पे भी कर सकते हैं ना पीपीएफ, या सिर्फ ग्लॉस पे ही करना है? चलता है ना मैट पे भी? फ़ायदा क्या होगा मैट पे? मैट पे भी वही शाइन आएगा थोड़ा। ओके, लेकिन वो मैटिश लुक नहीं चला जाएगा ना उसका? नहीं नहीं। ओके, उतना और अच्छा लगेगा। ओके, तो अभी सब मैट पार्ट कर रहा है, उसके बाद ग्लॉस के लिए वापस अलग कपड़ा ले लेगा ना, तो उसके ऊपर अलग कपड़ा का मतलब ये जो ऊपर उसने लगाया हुआ है ये वाला, हाँ अलग पैड चेंज होगा। ओके, पूरा पैड ही चेंज हो जाएगा। ओके सही है। एक एक छोटे से छोटा पार्ट भी हम लोग ले रहे हैं, उसको भी सिरामिक का एक लेयर लगा रहे। तो ये ऐसा नहीं कि बाइक धो लिया तो चला गया, ऐसा नहीं है, बैठता है ये बॉडी के ऊपर और ग्लॉस थोड़ा बना के रखता है। तो ये स्पूल्स भी लगाए थे मैंने घर पे, ये मैंने अमेजोन से मंगाया था। अच्छा ये स्पूल्स सीएनसी कट है, ये जो पार्ट है ये अलग आता है, छोटे वाले एलन की से लगता है। इंडिकेटर्स के ऊपर भी हो रहा है ये पूरा फाइबर पार्ट, सब होगा, सब कवर होगा, जितने भी फाइबर पार्ट्स है, जितने भी मेटालिक पार्ट्स है और जितने भी ये वाले अपने बॉडी पार्ट्स है ग्लॉस वाले, सारे के सारे होने वाले हैं। तो ये सारे पार्ट्स भी ऐसे, मतलब पता है ये जो पार्ट्स होते हैं ना वो जल्दी फेड आउट हो जाते हैं, मतलब थोड़े ग्रेइश हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि कलर गया है इसका। तो ये जो चीज़ है ना वो उसको बचाएगा सब चीज़ों से, राइट सर? जितना ध्यान रखोगे उतना अच्छे से रहेगा, जितना ध्यान नहीं रखोगे उतनी जल्दी साथ छोड़ देती है। इसको भी करना है क्योंकि यहाँ पे ना स्टिकरिंग विकरिंग होता है। हाँ, ये पूरा होगा, पूरा होगा, पूरा होगा। अच्छा, कुछ नहीं छोड़ने वाले हर्ष भाई अपने, सब कुछ करने वाले। मुझे लगा वो कुछ डेंट है लेकिन पता चला कि वो कोई अंदर का स्क्रू का फिटिंग का हुआ है। तो ये जो सिरामिक हो चुका है इंजन, अब देखो इसका ग्लॉस, सब कुछ एकदम डार्क रेड ब्लैक हो गया है, अभी तो बॉडी बाकी है।
होगा, सब होगा। मस्त लग रही है, मस्त। तो इंजन हो गया और जितने भी मैट पार्ट्स थे सारे हो गए। अभी एलॉय व्हील्स की बारी। एलॉय व्हील्स होने के बाद कपड़ा चेंज होगा, मतलब पूरा डस्टर चेंज होगा और वो होगा पूरे बॉडी पार्ट्स के ऊपर। एलॉयस तो ऐसे ही चमक रहे, लेकिन इसको भी अपन कर देंगे और चमकेगी। इधर तलक ही नहीं रुकना। क्या इधर तलक ही नहीं रुकना? इधर तलक ही नहीं रुकना है अपने, और चमक चाहिए। सामने वाला बिना हेडलाइट के भी आँख बंद करना चाहिए। इतनी चमक कहाँ से आ गई? सर्फ एक्सेल वाले भी ढूंढेंगे अपने को। सफेद कपड़े को चमका, इसने काले को चमका दिया। तो ये इतना डार्क रहेगा ही रहेगा, ऐसा नहीं कि वो वैक्स पॉल की तरह अभी मारा शाम को खो गया, सही ना? कितने लोग कमेंट में ये बोलेंगे, भाई ये तो जब तक मारा तब तक चमकेगी, बाइक वॉश के बाद भी चमकती है ये, और ऐसे नहीं कि एक दो वॉश के बाद चमकती रहेगी। चलो अभी लास्ट पीछे का टायर, उसके बाद बॉडी स्टार्ट। बाकी सारे फाइबर पार्ट सब कुछ हो चुका है, बस अभी ये लास्ट है। तो अभी वो गए उसका डस्टर चेंज करने के लिए, बाकी सब हो गया। अब सिर्फ मडगार्ड, हेडलाइट, विंडशील्ड, टैंक श्राउड्स और टेल सेक्शन, जितने भी ग्लॉसी पार्ट्स है, और ये वाले दोनों क्वार्टर पैनल्स बाकी है, बाकी सब फर्स्ट क्लास। ये गाड़ी आई है यहाँ पे पीछे के सारे स्पॉयलर्स निकालने के लिए, और जो पूरी कार है पूरी ब्लैक PPF होने वाली है, सेक्सी लगेगी। तो दो बीस्ट एक साथ एक फ्रेम में, वो क्यों असर है? अच्छा, तो मतलब जो वो चारों पाइप है उसको भी सही कर देगा ना? हाँ, मैं वही सोच रहा हूँ कि अभी तक उसके ऊपर मिट्टी है। तो गाइज इसका अभी कंडीशन देखना और बाद में देखना। तो अभी ये जो थोड़ा थोड़ा फेडेड लग रहा है, अब वो कपड़ा मारेगा तो अब उसका शाइन अलग हो जाएगा। वो थोड़ा आवाज़ इग्नोर करो वो लोग का। चलो जितना आप लोगों को कैमरा में दिख रहा है ना, मतलब ह्यूमन आई से वो और डार्क है, बहुत डार्क है। कैमरा में क्या मैं फोकस कर रहा हूँ तो थोड़ा वो ब्राइट करने में कलर को थोड़ा लाइट दिखा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अब पूरी बाइक क्लीन होने के बाद आप लोगों को फाइनल लुक दिखाता हूँ, क्योंकि अभी एक 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 पार्ट वो करने के बाद पहुँचेंगे, सब करेंगे। तो फाइनल लुक में मैं आप लोगों को सिनेमैटिक्स दिखा दूँगा, तब तक के लिए होल्ड ऑन।
चलो गाइस, हो गई गाड़ी अपनी रेडी। ये नात, ये सूफियान भाई, सूफियान भाई ने, ये यहाँ के ओनर है, और ये भाई ने पूरी गाड़ी अपनी सेट करके दी है। और हर्ष ने पूरी गाड़ी का काम किया है। जो भी बंदा आएगा उसको डिस्काउंट देना है ना अपने को, सिर्फ एक कोड बनाना है, वो कोड मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप मैं वो कोड भेज देना, ठीक है। तो PPF करवाना है, देख लो PPF कैसे हो रहा है, कहीं पे भी दिख नहीं रहा है, पील ऑफ नहीं है, कुछ भी नहीं है, हर जगह से सही है। छोटा मोटा जो भी अभी ये मार्क्स दिख रहे हैं ना, वो सब धूप में सही हो जाएंगे, ठीक है। ये डिस्क स्क्रीन गार्ड ये लोग ने भेजा नहीं है, अभी तक मैंने लगाया नहीं है। और टैंक पैड 4 दिन बाद, क्योंकि सुफियान भाई बोल रहे हैं कि 2-4 दिन रुको, कहीं भी पील ऑफ होता है तो फिर अपन वो चेंज कर देंगे। सो सर्विस आपको पूरी मिलेगी, सिरामिक कोटिंग इसके ऊपर किया है मैंने, तो सो फार सो गुड। चलो कोल्ड स्टार्ट हो जाने दो। गाइस, तो बाइक को अभी 4 दिन या 3 दिन तक धोना नहीं है, क्योंकि जितने भी कॉर्नर्स है ना, अभी भी उसमें पानी रहेगा ना अंदर, तो वेट होगा। वैसे तो धो सकते हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि ना धो तो अच्छा है, ताकि वो पानी उसमें घुस के उसको पील ऑफ ना करे, उसको बराबर से गमिंग को पकड़ने दो, ठीक है। तो बस अभी ये था मेरा सिरामिक कोटिंग और PPF का इतना लंबा सा व्लॉग, अगर लंबा बनाए तो पता नहीं है, वरना मैं कैसे एडिट करूँगा, छोटा करने को ट्राई करूँगा अगर छोटा होता है तो। बट जो भी है, मैंने पूरा डिटेल में डालने को ट्राई किया है, तो आई होप यू एंजॉयड द व्लॉग। और जो भी बंदे Z900 के दीवाने हैं और KTM Duke 390 जनरल के दीवाने, तो अपने व्लॉग्स देखना मत भूलना, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि बहुत सारे व्लॉग्स आने वाले हैं, अच्छी अच्छी रील्स आने वाली है, शॉर्ट वीडियोज आने वाले हैं, इंस्टा पे भी फॉलो कर लो जिसने नहीं किया। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।